दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और आज दोस्तों डेली करंट अफेयर की श्रृंखला में हम लोग कवर करने जा रहे हैं 22 अक्टूबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के प्रश्नों को। जी हां दोस्तों, तो आज तैयार रहेगा, आज बहुत खास खास प्रश्न आप सभी के लिए लाया हूं मैं, ठीक है। यहां पर दोस्तों वीडियो के साथ साथ आपको वन लाइनर बुलेटिन दिया जाता है। वन लाइनर बुलेटिन क्या होता है, तो अगर आपके पास समय नहीं है और आप चाहते हो कि जल्दी से करंट अफेयर को रिवाइज कर लिया जाए, पढ़ लिया जाए और आज सुबह की क्या क्या घटना हुआ इसके बारे में जान लिया जाए, तो आप हमारे एप्लीकेशन और वेबसाइट इन दोनों के माध्यम से वन लाइनर करंट अफेयर देख सकते हैं। यानी करंट अफेयर बुलेटिन सिर्फ 10 लाइन में आज पूरी की पूरी न्यूज आपको पता चल पाएगी, ठीक है। इसके साथ साथ अगर आप टेस्ट देते हैं तो टेस्ट देने से चीजें आपकी मजबूत होंगी और मैं कोशिश करूंगा कि जो चीजें मैं बता रहा हूं उसको आप ध्यान दीजिए कि जो आप कल पढ़े हैं, ठीक है, यानी 21 अक्टूबर के जो करंट अफेयर थे आप उनका टेस्ट दीजिए ताकि आपकी चीजें और भी ज्यादा बेहतर हो पाए, ठीक है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। इसके पहले एक बात और जान लीजिए, अगर आपने अभी तक स्टडी 91 का एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किया तो जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए क्योंकि इसके माध्यम से आपकी तैयारी और भी ज्यादा बेहतर हो पाएगी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो यहां पर हमारे सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पर कि एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत को किस स्थान पर रखा गया है। पहले बात समझिए प्रश्न इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए करंट अफेयर दिन भर में बहुत सारी घटनाएं घटती हैं और कौन से चीज इंपॉर्टेंट होती है, कौन सी चीज कम इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पता कैसे करें। तो दोस्तों अगर आप पेपर उठा के देखेंगे तो आजकल रैंक और इंडेक्स से काफी सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। रैंक और इंडेक्स, पहले हमें लगता था कि रैंक इंडेक्स में केवल जो बड़े बड़े सूचकांक है वही पूछे जाते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब अगर एक छोटी छोटी रैंकिंग भी जो जारी होती है ना वर्ल्ड लेवल पर, उसमें भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं क्योंकि वहां पर एग्जामिनर का टारगेट होता है कि चीजें आपको शायद ना पता हो। तो मुझे लगा ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। लिख रहा है एशिया पावर इंडेक्स 2020, इसमें जो भारत की रैंकिंग दी गई है वो है भारत उसमें चौथे नंबर पर। किस नंबर पर दोस्तों, तो भारत है चौथे नंबर पर। भारत से आगे पहले नंबर पर अमेरिका है, दूसरे पर आपका चीन हो गया, तीसरे पर जापान हो गया और चौथा नंबर दे गया है भारत को। बात आता है कि एशिया पावर इंडेक्स ये होता क्या है, तो नाम से ही आपको लग रहा है पावर इंडेक्स मतलब शक्ति का उत्पादन करने में कौन से देश का कौन सा स्थान है उसके आधार पर ये जो है गणना की गई। हालांकि बहुत सारे बहुत ज्यादा देश इसमें नहीं है, बहुत लिमिटेड संख्या है, लेकिन फिर भी भारत को चौथा स्थान दिया गया। इस इंडेक्स में केवल और केवल 26 देशों की और उनके क्षेत्रों की सूची जारी की गई है जिसमें पहला स्थान किसका, अमेरिका का है, दूसरा स्थान चीन का है, तीसरा स्थान जापान का है और चौथे स्थान पर कौन है, भारत है। लिख रहा वार्षिक एशिया पावर इंडेक्स एक विश्लेषणात्मक साधन है जो एशिया में प्रमुख शक्ति रखने वाले देशों को यह बताता है कि उनके पास क्या है और वे क्या करते हैं, ठीक है। इस आधार पर वो रैंकिंग प्रदान करता है। तो एशिया पावर इंडेक्स में भारत का जो स्थान है वो है चौथा स्थान। याद रखेंगे, याद रखेगा, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन तो बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा। इस क्वेश्चन में मुझे भी कुछ सीखने को मिला। मैं आपको बता दूं, अभी तक मुझे ही पता था, जनरली हम लोग जब एग्जाम देते हैं तो अक्सर परीक्षा में दोस्तों प्रश्न आ जाता है कि बिहू कहां का त्योहार है, तो हम लोग जो है रट रटाए रखे हैं, ठीक है। मुझे तो बहुत समय पहले से याद है, आपको भी याद ही होगा कि बिहू जो है दोस्तों असम का त्योहार है, ठीक है। लेकिन आज की इस प्रश्न से मुझे क्या नया सीखने को मिला है, सत्य बात बता रहा हूं, सत्य, झूठ बोलने की आदत नहीं है, ठीक है। मुझे आज ये पता चला कि असम में कुल 3 तरह के बिहू त्योहार मनाए जाते हैं, ठीक है। कितने तरह के, 3 तरह के बिहू त्योहार मनाए जाते हैं, एक नहीं, उसमें से एक है बिहू त्योहार, ठीक है। और आप कह सकते हो कि बिहू ही 3 पार्ट में होता है, ठीक है, और यह मनाया जाता है। अच्छा, एक चीज तो मुझे पहले पता था कि बिहू जो त्यौहार है यह किसानों का त्यौहार है, यह फसलों के उत्पादन से संबंधित त्यौहार है, यानी जो किसान है। अब जाहिर सी बात है किसान किसानी करता है, तो याद रखिए बिहू त्यौहार क्या है, किसानों से संबंधित है। उसी से संबंधित एक प्रश्न दे रहा है कि काती बिहू त्यौहार से संबंधित निम्न कथनों की पुष्टि कीजिए। करा यह असम में अक्टूबर महीने में मनाया जाता है, यह बिल्कुल सही है। दूसरा लिख रहा है कि बिहू फेस्टिवल साल में एक बार नहीं बल्कि 3 बार आता है, जिसे 3 अलग अलग नामों से जाना जाता है और यह कृषि त्योहार है। तो फिलहाल तो यहां दिया गया दोनों कथन जो है सही है, लेकिन उन 3 नामों को मैं आपको बताना चाहूंगा, ठीक है। वो 3 नाम कौन कौन से, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अच्छा, काती बिहू जो दे रहा है दोस्तों, काती बिहू, तो याद रखिए काती बिहू का एक दूसरा नाम है कंगाली बिहू। कंगाली, हम लोग बोलते हैं तुम कंगाल हो गए हो क्या, कंगाल मतलब गरीब, ठीक है। तो कंगाली बिहू मतलब यहां पर जो कंगाल शब्द है या कोंगाल शब्द है, कभी कभी इसको कोंगाल पढ़ा जाता है, तो कोंगाल का मतलब है गरीब, ठीक है, तो इसको याद रखेगा। और वहां पे जो 4 अलग अलग टाइप हैं, उन 4 अलग अलग टाइपों के बारे में बताना चाहूंगा दोस्तों।
कह रहा कि अप्रैल महीने में मनाए जाने वाले बिहू त्योहार को क्या बोलते हैं, रोंगाली या बोहाग कहा जाता है। क्या बोलते हैं, रोंगाली, रोंगाली कहिए या फिर बोहाग कहिए। देखिए यहीं से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। अब देखिए एग्जामिनर को भी पता चल गया, अच्छा बिहू त्योहार में तीन अलग अलग त्योहार होते हैं, अब आपसे बिहू न पूछेगा, अब आपसे क्या पूछेगा, रोंगाली पूछेगा, बोहाग पूछेगा। आप कहोगे सर पता नहीं कहां से क्वेश्चन कर दिया, यहीं से क्वेश्चन बनेगा, आपकी आंखों के सामने से बनेगा। अक्टूबर महीने में ये वाला त्योहार तो जान लीजिए अप्रैल में मनाया जाता, अप्रैल में, ठीक है। और ये वाला त्योहार दोस्तों अक्टूबर मनाया जाता जो इस समय चल रहा है, काती बिहू, ठीक है। चाहे इसका नाम काती रख दीजिए, चाहे इसका नाम कंगाली बिहू रख दीजिए, गरीबी वाला, ठीक है, तो याद रखिएगा। और जो तीसरा है दोस्तों उसका नाम है भोगली। क्या नाम है, भोगली, मोगली याद कर लीजिए, ठीक है, भोगली या फिर माघ, ठीक है, माघ। ये कब मनाया जाता है दोस्तों, तो ये जनवरी में मनाया जाता है। जनवरी में हमारे यहां भी दोस्तों आप देखते होंगे माघ मेला होता है, इलाहाबाद प्रयागराज में माघ मेला लगता है, माघ का महीना। तो माघ से माघ याद रखे, भोगाली याद रखे, और अक्टूबर वाले को काती कंगाली याद रखे, और रोंगाली बोहाग याद रखे। ये अप्रैल महीने मनाया जाता है, ये अलग अलग नाम है। तो दोस्तों मैं कहता हूं कि परीक्षा में श्योर है क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आप बताओ आएगा कि नहीं आएगा, आप डिसाइड कर लो आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। ऐसे ही प्रश्न आपको ध्यान देना है। अच्छा अगर इतनी बात आएगी, दो तीन बातें तो कॉमन होती है कि असम की राजधानी दिसपुर है, राज्यपाल जगदीश मुखी जी हैं, मुख्यमंत्री जो है सर्वानंद सोनोवाल, ये तो अलग बात हो गया दोस्तों। क्योंकि हम बात करें बिहू त्यौहार की जो कि किसानों से संबंधित एक त्यौहार है, तो अलग अलग राज्यों में और भी त्यौहार तो मनाए जाते होंगे लाइक बिहू, ठीक है। तो कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं, लिख रहा महाराष्ट्र में इसी तरह का त्यौहार मनाया जाता है जिसका नाम है गुड़ी पाड़वा। क्या नाम है, गुड़ी पाड़वा, ठीक है। हरेली पर्व मनाया जाता है, परीक्षा में पूछा गया था हरेली पर्व, ये छत्तीसगढ़ से संबंधित है। नवाखाई कहां पर है, उड़ीसा से संबंधित है। उगड़ी या उगादी पर्व कहां संबंधित है, याद रखिए कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से संबंधित है। तो इन तथ्यों को भी आप याद रखिएगा, परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो यहां पे आते हैं, अगला प्रश्न है जस्टिस दो साल्ट पर्स, बड़ा मतलब अटपटा सा नाम आपको लग रहा हो। अच्छा जस्टिस किसी के नाम के आगे या किसी किताब के आगे जस्टिस लगा हो तो इस जस्टिस का अर्थ क्या होता है दोस्तों। जनरली हम लोग नाम बुलाते हैं ना, जस्टिस वाई वी चंद्रचूड़ साहब, ठीक है। तो जस्टिस माने न्यायमूर्ति, क्या, न्यायमूर्ति, ठीक है। तो क्या ये किताब किसी न्यायमूर्ति के द्वारा लिखी गई है या उनके जीवन पर लिखी गई है या किससे संबंधित है, ठीक है। तो लिख रहा है कि जस्टिस दो साल्ट पर्स, ये जो किताब है दोस्तों ये आपको एक इमेज दिख रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। ये इमेज किसका है, तो याद रखिए इमेज है रूथ बेडर गिंसबर्ग का, ठीक है। कैसे याद रखेंगे, तो याद रखें जस्टिस मतलब न्याय, न्याय मिले किसे, तो याद रखिए किसको, बेडर को, ठीक है। जो बिना डरे न्याय दे, ठीक है, वही न्यायमूर्ति है। ऐसे करके आप याद रख, देखिए ट्रिक बनाइए, अगर ट्रिक नहीं बनाएंगे तो हो सकता है परीक्षा में आपके दिमाग से स्किप कर जाए। जस्टिस माने न्यायमूर्ति, और जो न्यायमूर्ति होता है किसी से डरता नहीं हो, बेडर, निडर न्याय देता है, सबको न्याय देता है। उसके सामने कितना बड़ा अपराधी खड़ा है उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो न्यायमूर्ति है, उसका काम न्याय देना है, तो याद रखेगा। अच्छा ये कोई नॉर्मल न्यायमूर्ति की बात नहीं कर रहा हूं, ये रूथ बेडर गिंसबर्ग जो हैं, ये पहली बात तो याद रखिए महिला हैं। क्या हैं, ये महिला हैं, पुरुष नहीं है। इमेज देख करके आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये महिला हैं। और ये सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस भी रह चुके हैं, लेकिन कहां पर, इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, इंडिया की बात नहीं कर रहा, ये अमेरिका की बात कर रहा हूं। ये अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में जो है जस्टिस के पद पर काम कर चुके हैं, और इनके जीवन के कुछ अनछुए पहलू थे उनको इस बार इस किताब में प्रकाशित किया जा रहा है। अभी हाल ही में उनकी मृत्यु हो गई है, सितंबर 2020, पिछले ही महीना, अभी एक महीना भी नहीं हुआ, ठीक है, एक महीना हो गया शायद, 18 तारीख को इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है, और तभी चर्चा में आई हुई थी, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों ये किताब किससे संबंधित है, ये रूथ बेडर गिंसबर्ग से संबंधित है, इसको याद रखिएगा। बाकी चीजें मैंने इनके बारे में बता दिया, 18 सितंबर 2020 को इनका निधन हो गया था, ठीक है। तो इनके जीवन से जुड़ी किताब है, इन्होंने अपने कानूनी करियर में लैंगिक समानता और महिलाओं के अधिकारों के लिए कई लड़ाइयां लड़ी और जीती भी, ठीक है। कह रहा कि यह पहली यहूदी महिला थी जो अमेरिका में इतने बड़े पद पर कार्य कर रही थी, ठीक है। संयुक्त राज्य सुप्रीम कोर्ट की सेवा करने वाली यह दूसरी महिला थी, ठीक है। हाल ही में किसे, मिशन शक्ति, अभी दोस्तों हम लोगों ने दो ही तीन दिन पहले पढ़ा मिशन शक्ति के बारे में, ठीक है। तो कह रहा है मिशन शक्ति का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाएगा, किसी बहुत हाई भाई व्यक्ति को यहां पे सेलिब्रिटी नहीं बनाएगा, ये इस बार मुझे बहुत अच्छा लगा, ठीक है। कि यार से अच्छा होता, जनरली होता क्या है, भारत सरकार भी बहुत बड़े बड़े लोगों को सेलिब्रिटी बना देती है जिनका उनसे कोई संबंध ही नहीं होता है। लोग आते हैं बस, बोलते हैं, एडवर्टीजमेंट करते हैं और चले जाते हैं। यार सेलिब्रिटी हमेशा ऐसे, सेलिब्रिटी नहीं, यहां पर ब्रांड एम्बेसडर हमेशा ऐसे व्यक्ति को बनाया जाना चाहिए जो उसके लिए कुछ कार्य करे,
उसका कुछ योगदान हो उसको बनाइए आप ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है। अब किसी व्यक्ति को जिनका उनसे कोई ताल्लुक ही ना हो, संबंध ना हो, खाली बहुत बड़े व्यक्ति हैं, बड़े नामचीन व्यक्ति हैं, उनको उठा के ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया, ये गलत है, ठीक है। यहां पे मुझे इसलिए अच्छा लगा दोस्तों कि ये जो महिला है दोस्तों, ये कोई इमेज नहीं है ऐसे जनरल, ठीक है। याद रखेगा इनका नाम है, क्या नाम है, अनीता यादव, ठीक है, यादव, याद रखेगा, यादव से यादव मिलाएगा, अनीता यादव इनका नाम है। इनको जो है मिशन शक्ति का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति स्टार्ट किया गया, ठीक है, महिलाओं की सुरक्षाओं को ध्यान में रखते हुए। और ज्यादा दिन हुआ नहीं दोस्तों, वर्ष 2016 में अनीता यादव को सिपाही के पद पर नियुक्त किया गया था, ठीक है, नियुक्त किया गया था, याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की राज्यपाल जो अतिरिक्त प्रभार के रूप में काम कर रही है, ठीक है, आनंदीबेन पटेल, उन्होंने लखनऊ से इस योजना की शुरुआत किया था, और योगी आदित्यनाथ जी ने बलरामपुर में जाकर इस कार्यक्रम का शुरुआत किया था, इसको याद रखेगा। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आज तो यार, बड़ा अच्छा दिन है, बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन मिले, ये क्वेश्चन पढ़ा मेरा दिल गदगद हो गया, मतलब लगा यार कि क्या अच्छा है। देखो पढ़ो, अगर आप पढ़ोगे तो हो सकता है आपको समझ में ना आए क्या पूछ रहा है। देश के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला किस राज्य में रखी गई, नहीं पता ना मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक क्या होता है। चलो मैं आपसे कहता हूं दोस्तों, मान लो आपको क्या करना, आप सोच रहे हो कि यार चलो हम लोग कहीं टूर पे चलते हैं, ठीक है, और टूर पे जाने के लिए आपने डिसाइड किया कि इस बार हम लोग क्या करेंगे, फ्लाइट से जाएंगे, ठीक है, फ्लाइट से जाएंगे, मतलब आपको चाहिए एयरपोर्ट, क्या चाहिए, एयरपोर्ट, ठीक है, एयरपोर्ट, ठीक है। अब आपके दूसरे दोस्त ने कहा नहीं यार, एयरपोर्ट से तो हर आदमी जाता है, इस बार हम लोग ना शिप से चलते हैं, ठीक है, ये एक जो है यूनिक ट्रिप हो जाएगा, तो इस बार हम लोग क्या करते हैं, शिप से चलते हैं, ठीक है। तो दूसरे वाले फ्रेंड ने कहा यार छोड़ो ना शिप की बातें, ठीक है, आओ ना आराम से बाइक से चलते हैं, क्या मस्त रोड का मजा ही अलग होता है, बुलेट से चलते हैं, ऐसे चलते हैं, वैसे चलते हैं। तो उसने डिसाइड कर लिया कि काम करते हैं रोड ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों कहने का तात्पर्य यह है कि चाहे आप जल का इस्तेमाल करें, चाहे थल का इस्तेमाल करें, चाहे वायु का इस्तेमाल करें, चाहे आप रेलवे का इस्तेमाल करें, मतलब एक ऐसा स्थान जहां पर यह सभी सुविधा एक साथ अवेलेबल हो। भारत में आज तक ऐसा नहीं था, था क्या कोई जगह का नाम बताओ जहां पर सब कुछ एक साथ हो, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों इसको इस तरह से डेवलप किया गया, इसलिए कहा गया देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है, जहां पर सभी सुविधाएं, और ये बनाया जा रहा है असम में, कहां पर बन रहा है, असम में, तो जबरदस्त है, ठीक है। देखिए लिख रहा है कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने असम के जोगी घोपा में देश के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला रखी है। लगभग 693 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस पार्क से लोगों को सीधे हवाई जहाज, सड़क, रेल और जल मार्ग की कनेक्टिविटी की सुविधा मिल सकेगी, जबरदस्त, ठीक है। इस पार्क का विकास भारत सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना जिसका नाम है भारतमाला परियोजना, उसके तहत इसको किया जा रहा है। इसका पहला चरण वर्ष 2023 तक पूरा होगा। बोलो क्या मन लायक क्वेश्चन मिला कि नहीं, ठीक है। देखिए करंट अफेयर स्टडी 91 पे आके पढ़िए, सुकून मिल जाएगा, क्योंकि इतने विस्तार में करंट अफेयर पे चर्चा आपको कहीं नहीं मिलेगी। चलो आगे बढ़ते हैं। करें समुद्री घास के संदर्भ में, देखो यहां पर क्वेश्चन दिया भी इस लेवल का जाता है ना, जैसा आपके परीक्षा में पूछता है, ठीक है। आजकल करंट के प्रश्न आपके परीक्षा में सिंपल शब्दों में नहीं पूछे जा रहे हैं, वो थोड़ा सा टेक्निकल पूछे जा रहे हैं। तो हम तो आपकी आदत बनाने में लगे हैं कि आप कथन कारक वाले प्रश्न देखो, पढ़ो, समझो कौन सा कथन सत्य है, पहला दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, एक दो तीन सही है, केवल तीन सही है, केवल दो सही है, केवल एक सही है, आप समझो। लिख रहा है समुद्री घास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समुद्री घास, समुद्र के अंदर जो घास पाए जाते हैं उसकी बात कर रहा है। लिख रहा है हाल ही में सोसाइटी फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, देखने से लगता है कोई बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होगा, लेकिन याद रखें दोस्तों एक एनपीओ है, नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी एक गैर लाभकारी संस्था है और गैर सरकारी संस्था भी, सरकारी भी नहीं है, लाभ भी नहीं कमाती है, और उसके द्वारा यह बताया जा रहा है। हाल ही में सोसाइटी फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर जो त्रिची में है, त्रिची एक जगह है तमिलनाडु में, ठीक है, त्रिची के अध्यक्ष द्वारा समुद्री घास के महत्व को उजागर किया गया। समुद्री घास के प्रजातीय विविधता बहुत कम पाई जाती है, प्रजाति विविधता तो इसमें कम होती है, लेकिन प्रजातियों का वितरण बहुत व्यापक स्तर पर देखने को मिलता है। करा भारत के संपूर्ण तटीय क्षेत्रों में यह पाई जाती है, भारत ही नहीं, इवन किसी भी समुद्री सीमा से लगे हुए देश की बात करेंगे तो उसके एरिया में जो इस तरह की समुद्री घासें पाई जाती है। तो यहीं पर दिए गए दोस्तों तीनों कथन यहां पर क्या है, सही है, ठीक है, तीनों कथन सही है। और
यहां पर जो नाम दे रहा था सोसाइटी फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, उसका शॉर्टकट है स्कॉन, ठीक है, यस सी ओ एन, ठीक है, स्कॉन। तो याद रखेगा यह सोसाइटी अधिनियम के तहत पंजीकृत एक एनपीओ है और एक गैर सरकारी संगठन है, और जो है इसके बारे में बताया गया। समुद्री घास के बारे में दो लाइन सुन लीजिए, कह रहा है समुद्री घास समुद्री पुष्पी पौधे होते हैं जो मुख्यतः उथले सागरीय जल या जलमग्न खाड़ी या फिर जहां पर लैगून वगैरह पाए जाते हैं उन क्षेत्रों में यह जलीय घास पाई जाती है, ठीक है। हालांकि समुद्री घास मृदा से लेकर चट्टानी भागो, आपने देखा होगा कई बार चट्टानों पर छोटे छोटे जो है घासें उगी हुई रहती हैं, ठीक है। तो अगर समुद्री घास मृदा यानी मिट्टी से लेकर के चट्टानी भागों तक उप परत के रूप में पाई जाती है, लेकिन हरी भरी समुद्री घास मुख्यतः दलदल और रेतीली उपस्तरी परत में ही पाई जाती है, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों 60 से अधिक प्रजातियों के बारे में पता चला है और उसका जो है विवरण बताया गया है। करा भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के 6वें संस्करण का आयोजन कब किया जाएगा, ठीक है। भारत में अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव जो ये इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल है दोस्तों, इस बार 6वां फेस्टिवल मनाया जा रहा है, ठीक है, 6वां फेस्टिवल मनाया जा रहा है। और यहां पर डॉक्टर हर्षवर्धन का नाम सुना होगा, ठीक है, उन्होंने समिट की अध्यक्षता भी कर दिया और डिसाइड हुआ दोस्तों कि ये दिसंबर में मनाया जाएगा। दिसंबर में कब, तो 22 से 25 दिसंबर के बीच में मनाया जाएगा और वर्चुअल मीटिंग अभी फिलहाल बुलाई गई है और 6वां हो रहा है। इसके पहले वाला जो सेशन हुआ था 5वां वाला, वो आई थिंक कलकत्ता में हुआ था, ठीक है, एक बार देख लेता हूं मैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, लिख रहा है 6वां संस्करण ये 22 से लेकर के 25 दिसंबर 2020 तक वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया जाएगा, उम्मीद है दिल्ली में ही होने वाला है, ठीक है। कह रहा है कि अच्छा IISF, अब नाम से आपको लग रहा होगा साइंस फेस्टिवल है, मतलब विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित मंत्रालय इसमें हिस्सा लेंगे और भारत सरकार के अन्य जो विभाग इससे संबंधित है, ठीक है, वो सब भी इसमें हिस्सा लेंगे। कह रहा है IISF भारत और विदेशी छात्रों, नॉनमेस्को, शिल्पकारों, किसानों, वैज्ञानिकों और टेक्नोक्रेट्स के साथ भारत की वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति की उपलब्धियों को दुनिया के सामने बताएगी और प्रस्तुत करेगी, ठीक है। इसको याद रखिएगा, पहला और दूसरा वाला जो कार्यक्रम था वो दिल्ली में किया गया था, तीसरा चेन्नई में किया गया था, चौथा लखनऊ में किया गया था और इसके पहले वाला 5वां कलकत्ता में किया गया था, 6ठा भी दिल्ली में होने का चांस है, अभी कोई प्रॉपर उसका एक स्थान नहीं बताया गया, ठीक है, तो इसको याद रखेगा। हाल ही में भारत सरकार ने महाराष्ट्र की सड़कों को सुधारने के लिए किस बैंक के साथ 177 मिलियन डॉलर के ऋण पत्र पर हस्ताक्षर किया। सड़क कहाँ की सुधारनी है, महाराष्ट्र की, लगभग कितना किलोमीटर, तो 450 किलोमीटर के आसपास की सड़क है, ठीक है, जिनको थोड़ा सा एडवांस किया जाएगा और भारत सरकार ने उसके लिए अच्छा टोटल 250 मिलियन का है प्रोजेक्ट बना था, ठीक है, जिसमें कुछ पैसे महाराष्ट्र सरकार दे रही, बाकी 177 मिलियन जो है वो ADB के थ्रू जो है साइन किया जा रहा है, मतलब ऋण लिया जा रहा है। ADB बोले तो एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, याद रखेगा एशियन डेवलपमेंट, इसकी हेडक्वार्टर कहां पर, मनीला में, फिलीपींस मनीला, ठीक है, तो इसको याद रखेगा दोस्तों। वही मैंने कहा ना लगभग 250 मिलियन डॉलर, ठीक है, और यहां पर 78 मिलियन डॉलर का लगभग सहयोग किसकी तरफ से, महाराष्ट्र की तरफ से मिल रहा है, बाकी और जो है पैसे ADB जो है देने वाली है, ठीक है। ADB की स्थापना 1966 में हुआ था, इसको भी याद रखेगा। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन कितने श्रेणियों में दिया जाता है, गठबंधन नहीं यहां पर एक वर्ड लगाइए पुरस्कार, ठीक है, सौर गठबंधन पुरस्कार ये कितने श्रेणियों में दिया जाता है, ठीक है। तो अभी तक दोस्तों आपने नाम सुना होगा जब जब अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की बात आती है, क्योंकि भारत इसका हेड है, ठीक है, तो भारत और फ्रांस ने मिलकर के इस चीज को स्टार्ट किया था, ठीक है। फ्रांस के इमैनुअल मैक्रॉन थे, भारत के नरेंद्र मोदी जी थे, इन दोनों लोगों ने मिलकर इसका काम किया, इसका हेडक्वार्टर भी गुड़गांव के पास बना हुआ है, ठीक है। और यहां पर जो पुरस्कार दिए जा रहे हैं दोस्तों, ये 3 श्रेणी में पुरस्कार दिए जा रहे हैं, तो हो सकता है पुरस्कारों के बारे में डिटेल में आपसे पूछ दिया जाए, तो याद रखेगा। अब 3 श्रेणी में जो पहला पुरस्कार है विश्वश्रेया पुरस्कार है, ठीक है, विश्वश्रेया उसको दिया जाता है दोस्तों जो अधिकतम सौर क्षमता का इस्तेमाल करने वाले देश है, ठीक है, जो सबसे ज्यादा सौर क्षमता का इस्तेमाल करते हैं उन देशों को विश्वश्रेया पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। इस बार यह पुरस्कार किसको दिया गया है, तो याद रखेंगे दोस्तों एशिया प्रशांत, यहां करेगा एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए नीदरलैंड देश को यह पुरस्कार दिया गया, ठीक है, नीदरलैंड की राजधानी कहां पर, एम्स्टर्डम, ठीक है। करा कि कल्पना चावला पुरस्कार यह दूसरे नंबर का पुरस्कार है, करा यह पुरस्कार सौर ऊर्जा के क्षेत्र में काम करने वाले वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है, कि सौर ऊर्जा के क्षेत्र में किन्होंने सबसे बेहतर काम किया है उनको यह पुरस्कार दिया जाता है, कल्पना चावला पुरस्कार। ये इसी योजना से संबंधित है, यह अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की पुरस्कार योजना से संबंधित है, ठीक है। इस बार किसको दिया गया है, तो IIT दिल्ली भारत के डॉक्टर
डॉक्टर भीम सिंह हैं और दुबई के दुबई इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर अथॉरिटी के डॉक्टर आयशा अल नौमी हैं। इन दोनों लोगों को संयुक्त रूप से इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। तीसरा पुरस्कार है दोस्तों दिवाकर पुरस्कार। करा यह पुरस्कार उन संगठनों और संस्थानों को दिया जाता है जो दिव्यांग लोगों के हितों के लिए काम करते हैं और जिन्होंने मेजबान देशों में ऊर्जा के सौर ऊर्जा के उपयोग के लिए काफी अधिक प्रयास किया है, उसको बढ़ाया है, उनको दिवाकर पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, इस तरह के तीन पुरस्कार है। इस बार अर्पण संस्थान है हरियाणा में और अरुसी सोसाइटी है जिसको यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो इसको याद रखेगा। आईएसए का जो मुख्यालय है दोस्तों वो गुड़गांव में है, गुड़गांव जिसको गुरुग्राम नाम से जानते हैं हरियाणा में, उसमें है। ठीक है, तो इसको याद रखेगा। अच्छा, इस बार दोस्तों भारत और फ्रांस दो साल के कार्यकाल के लिए आईएसए के अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के रूप में नामित हुए हैं। भारत अध्यक्ष है और सह अध्यक्ष कौन है? फ्रांस है। ये भी अभी हाल फिलहाल में हम लोग को पढ़ा गया था, ज्यादा नहीं गिने चुने, मुझे लगता है 10 दिन के अंदर पढ़े थे। खैर, हाल ही में सरकार ने विधानसभा और लोकसभा में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए अधिकतम खर्च सीमा बढ़ा के कितना कर दिया है? यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा क्वेश्चन आप करेक्ट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ विधानसभा भी हटा दीजिए क्योंकि या तो यहाँ पर दोनों का आंकड़ा दे। अच्छा, दोनों में ऐसा थोड़ा है कि विधानसभा में भी उतना ही खर्च होगा, यानी एमएलए बनने के लिए भी उतना खर्च होगा और एमपी बनने के लिए। एमएलए बोले तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और एमपी बोले तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, तो दोस्तों पहले क्या होता था? ठीक है, पहले क्या था यहाँ पे? देखिए, अभी शुरुआत के समय बात करूं 2014 में जब मोदी गवर्नमेंट बनी, ठीक है, तो उस समय इस सीमा को बढ़ा करके पहले 40 लाख था, इसको बढ़ा के 70 लाख कर दिया गया था। अब क्या कर दिया गया? फिर से 10% की बढ़ोतरी हो गई है। ठीक है, 10% की, तो 70 से बढ़ के कितना हो गया है? 77 लाख हो गया। लेकिन 77 लाख किसके लिए है दोस्तों? ये लोकसभा के लिए। किसके लिए है? ये लोकसभा के लिए, कि लोकसभा का चुनाव अगर कोई उम्मीदवार लड़ता है तो वह अपने चुनाव में कितने रुपए खर्च कर सकता है? अधिकतम मैक्सिमम 77 लाख रुपए खर्च कर सकता है। यहां तो करोड़ों में टिकट बिक जाते हैं, करोड़ों में। तो कौन सा रूल पालन किया जा रहा है, फॉलो किया जा रहा है, आप समझ लो। ठीक है, बाकी दोस्तों अगर वहीं मैं विधानसभा की बात करूंगा, ठीक है, राज्य विधानसभाओं की बात करूंगा, तो उसमें अगर कोई, ठीक है, उसमें अगर कोई व्यक्ति जो है खड़ा होता है चुनाव में, तो पहले आंकड़ा दोस्तों कितना था? 28 लाख का था और इसमें भी लगभग 10% की बढ़ोतरी कर लिए, तो समथिंग 30 लाख के आसपास आंकड़ा पहुंच गया। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। तो फिलहाल इस प्रश्न में 77 लाख आपका उत्तर बनने वाला है, तो इसको थोड़ा सा आप देख करके केयरफुल हो जाएगा। ठीक है, इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है यहां पर। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा, इसी तरह से आप मजे के साथ बने रहिए। लेकिन जरूरी होगा कि आप स्टडी 91 को ज्वाइन करें। ठीक है, स्टडी 91 पर बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोज भी अवेलेबल कराए जा रहे हैं, शायद आपको पता भी होगा। ठीक है, अभी इस समय जो आपकी क्लासेस दी जा रही है, सुबह के 5 बजे करंट अफेयर की क्लासेस चल रही हैं, दोपहर के 12 बजे दोस्तों योगेश सर की क्लास चल रही, बेहतरीन पढ़ाते हैं। मतलब अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिससे मैं खुद भी इंप्रेस हूं, तो दोस्तों आप आगे योगेश सर की क्लास ले सकते हैं। 5-7 दिन क्लास लीजिए, लगेगा कि वाकई बहुत दमदार बंदे हैं। ठीक है, तो आप आइए और योगेश सर से पढ़ने का मौका मिले, बहुत मजा आएगा। ठीक है, उसके बाद शाम को 5 बजे हमारी साइंस की क्लास चलती है, रात को 9 बजे जीके जीएस की क्लास चलती है। इसके अलावा दोस्तों मैथ और रीजनिंग की क्लास भी कंटिन्यू आपको दी जा रही है, इंग्लिश की क्लास, इकोनॉमिक्स की क्लास, ये सब क्लासेस हैं जो नवरात्रि के बाद हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो आपके लिए बहुत कुछ खास है। साइंस की भी क्लास डेली होगी। ठीक है, तो वो स्पेशल क्लासेस सब चलेंगे, जो मेरी क्लास चलती है उसको छोड़ करके ये एडिशनल क्लासेस आपको दी जाएंगी। ठीक है, तो थोड़ा सा समय रखिए, बनाइए और धैर्य रखिए, और चीजों को जो अभी दिया जा रहा है पहले आप उसको पढ़ते चलिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।